हर शहर की चाह में हम जा की बाजी हारे। यार 5 महीने हो गए हैं मैं इस चार दीवारी से नहीं निकली। मैंने तो इतने अरसे से सूरज को एक किरण नहीं देखी। अब तो नींद भी नहीं आती, ना दिन का पता चलता है ना रात का। तो जेल में रहने वाले कैदियों की जिंदगी है, कम से कम अदालत तक का सफर तो कर लेते हैं। मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है। अनिक ने अपने आंखें साफ करते हुए कहा, तो इसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। यार अनिक मैं आ रही हूँ तेरे घर, तू तैयार है ना, हम थोड़ी देर बाहर चलते, तेरा मन फ्रेश हो जाएगा। यार नजर से नहीं कर, तू जानती है मेरी जिंदगी नर्क बनी हुई है, मजीद मुश्किल पैदा हो जाएंगी। मेरा दिल करता है किसी तरीके से इस कैद से कहीं दूर भाग जाऊँ। यार कि मैं अपनी जान दे दूँ, बकवास बंद कर, अलग बच्चों जैसी बातें नहीं करो। मतलब तुम्हें पता है पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं, वो भी वहाँ जहाँ मेरी कोई कदर नहीं, जहाँ मैं एक बार धुतका दी गई हूँ। नजर मैंने लोगों की बातें सुनी थी, वो लोग खुशी से उनसे शादी नहीं कर रहे, वो मामा पापा का बदला लेना चाहते हैं। मामा पापा ने पसंद की शादी की थी जिस पे इनको एतराज़ था, अब वो इस बात का बदला लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी इनके बेटे से शादी हो और मुझे गुलाम बना कर रखें और कुछ ही अरसे में मुझे तलाक देकर वापस भेज दें। बाबा को मेरी ये बात समझ नहीं आ रही, बाबा इनकी बातों में आए हुए हैं। मैंने मना किया तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई मना नहीं करता, ज़रूर तुम्हारे दिन में कोई चोर होगा। याद था गई हूँ मैं, अब तो मेरे किरदार पे बातें बनने लगी, अलग रोने लगी। अलग अच्छा रोना बंद करो, एक काम करो, तुम अरहम से बात कर लो, वो तुम्हें इस कैद से ज़रूर रिहाई दिलाएगा। नहीं मैं आराम से बात नहीं करूंगी, मैं खुद अजियत में रह लूंगी, मैं इसको तकलीफ नहीं होने दूंगी। अरहम मुझे मेरी जान से भी अजीज है, अरहम बहुत अच्छा लड़का है, मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे, मैं अरहम की काबिल नहीं हूँ। अलग फिर और कौन है जो तुम्हें इस जहन्नम से निकाल सके और आने वाले जहन्नम से भी बचा सके। मेरी जान कब तक इतनी तकलीफें बर्दाश्त करोगी, नजब को अलग की फिक्र हो रही थी। तुम्हें पता है नजब पापा कहते हैं तुम हार, तुम हमारे लिए अजमाइश हो, तुम मरती क्यों नहीं हो, मर जाओ। मामा भी कहती तुम जरूर कुछ गलत करोगी, तभी तुम कह रही हो, गलत तो सब पहले ही समझते हैं, तुम हार तो यार हम के पास नहीं जाओ। यार मैं मामा पापा की से प्याज नहीं आने दूँ, आने दे सकती और अरहम के काबिल नहीं हूँ, और अरहम के काबिल नहीं हूँ मैं। मैं आने वाली मुश्किल का सामना कर लूँगी या फिर खुदकुशी कर लूँगी। खुदकुशी कर लेने से क्या तुम्हारे मामा बाबा की इज्जत में आज नहीं आने वाली। यार ये सपने लिए जीना सीखो, कोई लड़का है तो ठीक, नहीं तो मैं अरहम से कहती हूँ वो ले जाए तुम्हें। यार प्लीज़ अरहम मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा है, मैं एक दफ़ा इसको खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं, वो छीन जाएगा मुझसे। इस दुनिया में मेरे पास कोई नहीं है, पहले मैं इसको अपने दिल की हर बात बताती थी, अब नहीं, अब मुझे डर लगता है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कह सकती है ना, नजर में होते हुए कहा। बस मेरे लिए इतना करना कि अगर मैं मर जाऊँ तो अरहम को मेरी मौत का ना बताना, वो परेशान होगा। मैं इसकी ज़िंदगी से जब चली जाऊंगी तो वो मुझे बेवफा समझ के भूल जाएगा, लेकिन अगर इसे मेरी मौत का पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकती। अल्लाह तुम खुदकुशी नहीं करोगी, मुझे ये गुनाह है, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं। वो मुझे तलाक देकर वापस भेज देंगे, मुझे तलाक जैसा धब्बा नहीं लगवाना अपने माथे पे। अलग रोने लगी, काश कोई ऐसा होता जो मुझे गले लगा कर कहता तेरे दर्द मुझे भी तकलीफ होती है, कोई तो ऐसा होता जिसे मुझे खोने से डर लगता, कोई तो ऐसा होता जो मुझसे मोहब्बत है और दिल भी इसे जा मिला कि इसे उनका दर्द नहीं मिलता। अलग में रोते हुए फोन बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी जो कि उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, नावल की कहानी।
पढ़ना हर एक का शौक होता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हम आपके लिए मजीद आइंदा वीडियोस में लाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ताकि आपको पहले मिल सके।